brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. कहीं शूट कर रहा हूँ सॉन्ग का या फिल्म का शूट चल रहा है, हमारे जो चाहने वाले हमारे नौजवान साथी सेट पे जो आते हैं देखने के लिए, वो गुलदस्ता लेके मिल रहे हैं कि भैया सांसद जी बधाई हो, सांसद जी बधाई हो। मैंने बोला भाई, ये हमारे चाहने वाले भाई इतने उत्साहित हैं कि सांसद जी बधाई हो। फिर अम्मा से हम अपने बात किए तो मेरी माँ भी बोली, क्योंकि 2019 में भी मेरा जिक्र हो चुका था हावड़ा से, वो भी इधर उधर हो गया। फिर मुझे पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया। मेरी माँ बोली कि बेटा सांसदी चुनाव लड़ रहे हो ना, क्योंकि मुझे तुमको इस रूप में भी देखना है। मैंने बोला कि माई, जब तुहार आदेश हो गए तो तुर बेटा सांसदी के चुनाव लड़ी, अब ये तय है। मैंने पहले इंटरव्यू में भी दिल्ली ये बोला था कि इस पार्टी से लड़ूंगा, किस जगह से लड़ूंगा ये तय नहीं है, बट चुनाव लड़ूंगा ये तय है। बस निर्दल के रूप में आप सबके बीच में, अपने जनता के बीच में खड़ा है पवन। माता जी का आदेश था जैसे आपने, बहुत अच्छी बात बताई। आपके मन की इच्छा क्या थी, क्योंकि नाम आसनसोल की भी आप जिक्र कर रहे थे, आपकी इच्छा क्या थी अंदर से? इच्छा तो बहुत कुछ होता है। मैंने बोला ना कि इसके अलावा भी मैं सबका सम्मान करता हूँ, तो मैं एक तो कम बोलता हूँ लेकिन जितना बोलता हूँ उतना करता हूँ। मैं बोलता ही उतना हूँ जितना मैं कर पाऊँ, कर सकूँ। तो मैं तो पहले ही बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं अपने भाइयों से बोला कि भाई कहाँ से क्या नाम अनाउंस हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो बीत गया सो बीत गया, बट मैं चुनाव लड़ूंगा। अब आप लोग बताइए कि शाहबाद में पवन को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। मेरे भाइयों ने हमसे बताया कि भाई शाहबाद में काराकाट लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज तक विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। तो मैंने बोला, आप भी मान लीजिए कि मीडिया से हैं, आप भी घूम रही हैं या आगे आप घूमेंगी, तो आप जनता से पूछिए कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं। तो मैंने बोला भाई चलिए मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि देखिए पवन को सांसद बन के नाम नहीं कमाना है, पवन को सांसद बन के पैसा नहीं कमाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। मैं तो इतना तक अनाउंस कर दिया हूँ कि सांसदी फंड में जो आता है विकास के लिए वो तो होगा ही। एक कलाकार हूँ, कलाकार के नाते एक मिनी फिल्म सिटी भी बनेगी यहाँ पे, यहाँ काराकाट। बिल्कुल सोच सकते हैं आजकल, आज यहाँ के लोग की एक फिल्म सिटी यहाँ बन सकती है। बिल्कुल बनेगी। कोई चीज हम चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा। भोजपुरी भाषा, भोजपुरी फिल्म सिटी, भोजपुरी फिल्मी दुनिया और भोजपुरी फिल्म के लिए भोजपुर जिला में, शाहबाद में, बिहार में भोजपुरी फिल्मों के लिए, कलाकारों के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। आज देखिए यूपी में कितनी फिल्मों की शूट चल रही है, लगातार काम हो रहा है, सब्सिडी मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं। तो हम तो चाहेंगे ही ना एक कलाकार के नाते कि यहाँ भी एक छोटी सी फिल्म सिटी बने, यहाँ भी हमारे कुछ भाइयों को रोजगार मिले, सब्सिडी मिले। और इसके बाद जो सांसद को एक तनख्वाह मिलता है, एक सांसद को जो महीना मिलता है, मैंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि इस पैसे का भी रोटी पवन नहीं खाएगा। ये पैसे से हमारे क्षेत्र में जो भी गरीब बेटी बहन है, मैं उनकी उस पैसे से वो शादी करवाऊंगा। सारा फंड जी? बिल्कुल। अरे सारा फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जो महीना सैलरी जो सैलरी मिलता है सांसद को, वो पैसे की भी रोटी पवन नहीं खाएगा। उस पैसे से हमारे गरीब बहन बेटी के शादी हुई। और जैसे आपने शुरू में कहा, नहीं तो कान भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, जो हमारे गार्जियन हैं वो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि काराकाट की हर एक जनता सांसद है। मुझे सांसद बन के अपने समाज में नहीं खड़ा होना है, मैं एक भाई और बेटा बन के खड़ा होऊंगा। और इस ये में हमारे गार्जियन अधिकार से पकड़ सकते हैं कि बेटा ये सही नहीं है, ये सही है, तुमको ये करना है, क्योंकि तुमने ये वचन दिया है। और मैं किसी को निराश नहीं कर सकता, काराकाट की जनता की खुशी के लिए जान हाजिर है।
और मुद्दे कौन से हाजिर हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव ये वाला लड़ रहे हैं, और लोगों के बीच अब तक जितना गए क्या मुद्दे हैं जो टॉप मोस्ट लोगों का कंसर्न क्या है? यहाँ हमारी लड़ाई किसी को लेके नहीं है, पवन को सिर्फ और सिर्फ यहाँ के विकास विकास के मुद्दे को लेके लड़ाई है। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विकास करना है। देखिए हमारे जनता को क्या चाहिए, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, कितना गांव में गई ली, अब बताइए एक गांव में हम गई ली तब हमार चार छह बहनें सामने आ गई रोते हुए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम शादी नहीं कर पा रहे हैं, झोपड़ी भी कभी कभी हम लोग मिलजुल के बना रहे हैं वो भी आंधी आ रहा है तो वो भी उड़ जा रहा है, किसी माँ के पास खड़ा हो तो सिर्फ आंसू गिरना, कोनो चाचा के फिरी खड़ा होगा तब आंसू गिरना, तो यहाँ दुख दर्द तकलीफ बहुत है। मेरा मुद्दा ही ये है सिर्फ और सिर्फ विकास। और देखिए सबसे पहले हमारी जनता को क्या चाहिए, आने जाने का व्यवस्था सही हो, देश हमारे देश हमारा देखिए कितना विकास किया कर रहा है और करेगा भी, बट काराकाट में रोड की स्थिति क्या है ये आप देख लीजिए। मैं आगे विकास की बात क्या करूं, यहां तो आने जाने का रास्ता भी सही नहीं है, बिजली हो गया, पानी का व्यवस्था हो गया, और बढ़िया स्कूल कॉलेज हो के बढ़िया स्वास्थ्य की व्यवस्था हो के जो जहाँ इलाज बढ़िया हो जाए, तो हमारे जनता को अगर ये भी मिलता है ना तो इससे इससे बहुत राहत मिलती है। अच्छा, मैंने आपके भाषण में एक और बात सुनी, आपने कहा कि मैंने जो भी फैसले लिए हैं वो दिमाग से नहीं दिल से लिए हैं हमेशा, तो कौन से फैसले हैं वो जो आपके दिल के करीब है, ये भी उनमें से एक है? हाँ बिल्कुल, और कौन से? मैं अब अलग अलग ये नहीं है, बट देखना देखिए इतना जरूर है कि मैं अपने जीवन में कोई काम दिमाग से नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, आदमी कलाकार है, एक्टर है, सिंगर है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं प्रोफेशनल तरीके से, हाँ जी सर का क्या रेट है, डेट क्या है, ठीक है मेरा ये डेट है, आदमी है बात करने के लिए, पैसे की बात मैं जीवन में कभी किसी से नहीं करता। वो काम हुआ, काम खत्म हुआ, काम शुरू हुआ, नमस्ते प्रणाम सर, सर सर सर, मैं लेकिन चाहता हूँ कि भाई का भी रिश्ता बने। आज के समय में भी पवन फ्री में सॉन्ग कर देता है कहीं व्यवहार के दम पे, मैं आज के समय में भी फ्री में फिल्म कर देता हूँ व्यवहार के दम पे, तो व्यवहार एक बहुत मायने रखता है। अच्छा, ये आपको लगता है कि जितनी ज्यादा भीड़ आपके हमें जितने भी आयोजन है उसमें नजर आ रही है, यहाँ भी हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो भीड़ नजर आ रही है, आपको लग रहा है ये सब वोटों में भी बदल जाएगी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, मैंने पहले आपसे क्या बोला, पवन एक भोजपुरी समाज का ऐसा कलाकार है जो पब्लिक के दिमाग में नहीं दिल में रहता है, तो ऐसा नहीं है कि पवन के साथ सिर्फ सेल्फी लेना है देख के फिर चले गए, क्योंकि इतने कड़क धूप में, इतना तपती गर्मी में कोई सिर्फ सेल्फी लेने के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, वो भी एक घंटा, चार घंटा, तीन घंटा, पांच घंटा। ये हमारे ऑडियंस का स्नेह है, मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि जो भी जनता हमको देखने के लिए खड़ा बनी जा या भीड़ हो रही है, ये हमको आशीर्वाद के रूप में मिलेगा ही मिलेगा, ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है। अच्छा, अंत में परिवार की तरफ से कैसा सपोर्ट है? हमने देखा जब आप नॉमिनेशन के लिए गए, आपके परिवार के सभी सदस्य, आपकी पत्नी, आपकी माता जी जिनका आपने जिक्र किया, वो सब नजर आए, उनकी तरफ से कैसा सपोर्ट है? बिल्कुल, अब तो 24/7 बिजी हो गए, बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है, तो परिवार का फुल सपोर्ट है, वो हमारी माँ है, माँ का आशीर्वाद है, चाचा का आशीर्वाद है, पत्नी साथ में है, भाई मेरा भैया साथ में है, तो परिवार का सपोर्ट, देखिए किसी भी कार्य में परिवार का सपोर्ट एक अलग मायने रखता है, तो हर तरीके से, हर जगह से, हर समाज से, हर परिवार से पवन को सपोर्ट है, मैं एकदम मस्त हूँ, खुश हूँ। कितने वोट से जीत रहे हैं? अब ये तो मैं बोल नहीं सकता, कुछ तो कोई तो नंबर, लेकिन बाकी लोग दावे कर रहे हैं, आप भी एक कुछ आइडिया बताइए। ठीक है, सबको हक है, सबको हक है दावा करना, बट अब ये कॉन्फिडेंस में तो हम नहीं बोल सकते हैं, बट मुझे इतना जरूर भरोसा है, ये जो उमंग है जो आप देख रही हैं, ये उमंग
एक ये उत्साह, ये आशीर्वाद जो एक बेटे को, भाई को मिल रहा है, ये इस आशीर्वाद से आउटपुट एक नया रिकॉर्ड बनेगा, बनाएगा, ये मुझे भरोसा है। काराकाट में आंधी तूफान आ रहा है फिर? नहीं कहेंगे आंधी तूफान, ये तो लोगों का तो आंधी तूफान देखने को मिल ही रहा है, वोटों का भी आएगा लगता है। परिवार ने नाम रखा पवन, और हमारे जनता जवन बने पवन को पवन बना दिया, बना दिए, तो हवा तो बहनी ही बहनी है। हवा कभी थोड़ा स्लो भी हो सकेला, हवा थोड़ा तेज भी, तेज हुई तो आंधी आ जाएगी, तूफान भी आ जाएगी। बहुत सारे लोग खड़े हैं, सॉरी, लेकिन दो लाइन कुछ, जो मन है वो, जो जैसा मूड है इस वक्त वैसा। अब तो हमारा वजीव बैठ गया, हम गा भी नहीं पाएंगे। मैं बस इतना ही कहूंगा जाते जाते गाड़ी से उतरने के पहले, कि मेरे दिल में एक अरमान है कि पवन विजयी होने के बाद ऐसा ऐसा काम करे, और हमको अपने जनता के बीच में बैठ के सुझाव लेना है कि हाँ भैया, हाँ चाचा, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आप ही मालिक हैं, आप ही डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो वो आदेश ले लेके हमको हर विकास का कार्य करना है, और हम यही चाहेंगे पवन भी खुश, हमारी जनता भी खुश, और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जनता के मुंह से एक ही साउंड निकले, नो जात पात, ओनली इंसानियत जिंदाबाद, जो दुनिया में गूंजे, इंसानियत जिंदाबाद। गाना नहीं गाएंगे मतलब आप? हमारे भैया हो, हमारे चाची हो, हमारे बहिनी हो, हमारे माई हो, पवन के जिता दिया, सांसद बनाए दी हो। शुक्रिया बहुत बहुत पवन सिंह हमारे साथ थे। बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम भी निकालने की उन्होंने कोशिश की। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा।